सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है 2023 की पैशन प्लस। ये तीन कलर ऑप्शन के साथ में आई है। पहला कलर ये आप जो देख रहे हैं, दूसरा है स्पोर्टी रेड और तीसरा है ब्लैक विद हैवी ग्रे कलर। तो ये ब्लू कलर वाला ऑप्शन है। ये कलर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आप देख सकते हैं। बाइक में क्या कुछ फीचर्स हैं, इसकी ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट प्रोफाइल दिया गया है। ब्लैक ग्लोसी कलर के साथ में इसका वाइजर मिलता है, साथ में 3D में इसका हीरो का इधर लोगो मिल जाता है। और हेडलाइट की बात करें तो आपको हाइलोजन मिल जाती है, साथ में ये नॉन फ्लेक्सिबल इसके टर्न इंडिकेटर दिए जो बल्ब के साथ में हैं। बाकी सस्पेंशन आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक दिए गए हैं। और टायर की बात करें तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। टायर साइज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80x118 के टायर दिए गए हैं। और सिर्फ इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आया है। सस्पेंशन तो दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। टैंक पे यहाँ पे पैशन प्लस स्टिकर के साथ में लिखा हुआ मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स भी दिया गया है, इसमें आप अपना कुछ भी पेपर वर्क रख सकते हैं, टूल भी रख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसमें आपको 100 cc का FI इंजन मिलता है जो 8.02 PS की पावर और 8.05 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ में आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाते हैं। जो स्प्लेंडर प्लस में इंजन मिलता है, सेम वही इंजन इसमें भी मिल जाता है। बाकी टैंक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका टैंक का लुक देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक आपको इसमें 9.6 लीटर का दिया गया है। और ये बाइक E20 कैपेबल इंजन के साथ में आई है, साथ में आपको इसमें OBD2 सेंसर भी दिया गया है। बाकी मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। इसको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको ओडोमीटर, ट्रिप और यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी और अदर इन्फॉर्मेशन इन पे आपको नहीं मिलने वाली, जैसे कि टाइम क्लॉक, रियल टाइम माइलेज, ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इंजन चेक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे न्यूट्रल का मिल जाता है, बाकी इधर आपको साइड इंडिकेटर का मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका मीटर कंसोल मिलने वाला है। और इसमें I3S टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। I3S की स्विच आपको यहाँ पे मिल जाती है। और हैंडल बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ का स्विच मिल जाता है। सिंगल पीस में क्रोम फिनिश के साथ में हैंडल बार है। और यहाँ पे अपर डिपर, यहाँ पे पासिंग का स्विच, साइड इंडिकेटर, हॉर्न और कुछ इस प्रकार से इसके मिरर दिए गए हैं। बाकी इसके सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं सीट काफ़ी अच्छी लंबी और चौड़ी सीट दी है, जो कि कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ में आपको ऐसा सिंगल पीस में ब्लैक कलर के साथ में इसका ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के साथ में। बाकी टेल लाइट आपको बल्ब मिलने वाली है, साथ में साइड इंडिकेटर भी बल्ब दिए गए हैं। पीछे का लुक इसी प्रकार से मिल जाता है, यहाँ पे आपको मडगार्ड दिया गया है। बाकी टायर की बात करें तो यहाँ पे भी सेम टायर मिल जाते हैं 80x118 के। और ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक तो मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम IBS मिल जाता है जो कि हीरो के ब्रेकिंग सिस्टम है। बाकी साइलेंसर का लुक इसी प्रकार से मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम प्लेटेड कवर मिल जाती है प्रोटेक्शन के लिए। और सस्पेंशन आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल हैं। और ये बाइक किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों के साथ में आती है, यहाँ पे किक स्टार्ट भी मिल जाता है। बाकी इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत 93,000 रुपये है। और आप लोग कमेंट करके बताओ आपको यह बाइक कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।